हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़रा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपने बच्चों के स्कूल। एक्चुअली मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं जो कि मैं फ्राइडे को देने गई थी, बट उन्होंने लिया नहीं था क्योंकि उन्होंने बोला कि आप मंडे देना, कि तो हम उनकी फ़ाइल ढूंढ लेंगे तो डायरेक्ट फाइल में लगा देंगे, क्योंकि ऐसे कहीं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मिस हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आज मुझे फिर से देने जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी अपने साथ ले जाती हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा और हम और आप मिलकर स्कूल देखेंगे। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए और अभी ना मेन रोड तक हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेन रोड से ही आपको कुछ साधन मिलेगा, ऑटो वगैरह जो भी मिले। और आजकल ना ई रिक्शा चलते हैं जिनमें कि बहुत आराम भी होती है, बैठने भी अच्छा लगता है और एकदम मज़ा भी आता है, पूरा आराम से नज़ारा देखते हुए आप जाओ। और दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा, कि तब छाता लेके और दुपट्टा बांधने के बाद भी मतलब पूरा पसीने से भीगे थे। और अब हम आ गए हैं अपने मेन रोड पे, जहाँ से हमें कुछ ना कुछ साधन मिलेगा, जिससे स्कूल बहुत दूर नहीं है, बस मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर ही है, तो आराम से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस टाइम ना स्कूल की वजह से ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि सारे स्कूल के बच्चे छूटते हैं तो वैन वगैरह भी जाती हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं स्कूल के गेट पे और अब हम इंटर हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना मास्क लगाना ज़रूरी है, और वैसे भी स्कूल में अगर आप ना लगाए हो ना तो वहाँ पे लोग टोक देते हैं कि मैम आप मास्क लगाइए, तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही लगा लो तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये अंदर का ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे अब गर्मियों में तो नहीं खेलते, सर्दियों वगैरह में खेलते हैं, क्योंकि इस टाइम तो इतनी गर्मी ऑलरेडी है और एक गाड़ियाँ खड़ी हैं लोग लेने आए हुए हैं अपने बच्चों को, क्योंकि स्कूल छूटने का भी टाइम है। जो बच्चे जो लोग अपने बच्चों को डेली लेने आते हैं तो वो लोग अपना आ जाते हैं 10-15 मिनट पहले से। तो अब हम लोग आ गए हैं स्कूल के अंदर और दोस्तों ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे लोग आ जाते हैं, तो अपना बैठो, जब तक बच्चे नहीं छूटते तब तक आप वेट करना पड़ता है वहाँ पे। तो बैठने के लिए चेयर वगैरह सोफे वगैरह लगे हुए हैं, तो आप बैठ सकते हो। और ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे आपको जो भी करना हो तो। और दोस्तों ये जो है ना ये असेंबली एरिया है, ये स्कूल के अंदर का पोर्शन है, असेंबली स्कूल के अंदर ही कराते हैं बच्चों को, तो ये स्कूल का असेंबली एरिया है। तो ये आप स्टेज देख सकते हो जहाँ पे बच्चे खड़े होकर असेंबली करते हैं और जो बच्चे कराते हैं। और मुझे यूनिफॉर्म पता करना था तो यहीं पे शॉप भी थी, तो उसी के लिए मैं आई हुई थी। और अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि बच्चों को क्लास से लेके मैम ना नीचे ही आ जाती हैं। पहले तो क्लास से लेना होता था, बेटे को क्लास से लेना होता है और बेटी तो स्टिल एरिया में आ जाती है, तो अब मैं वहीं जाऊँगी। तो उसने बोला था कि मैं तासू को भी ले आऊँगी, तो वहीं से लेके भी हम दोनों को चले जाएंगे, क्योंकि मैंने अपना काम रिसेप्शन में जो था डॉक्यूमेंट्स देने थे वो दे दिए थे। तो ये दोस्तों स्टिल एरिया है जहाँ पे छोटे बच्चे वगैरह को प्ले कराते हैं वो लोग, तो बच्चों को यहीं पे लेके आ जाते हैं, यहीं से आप अपने बच्चों को पिक कर सकते हो। तो बच्चे यहीं पे बैठे होते हैं तो आपको पिक करना होता है। तो यहाँ से मैं अपनी बेटी को पिक करूँगी और हो सकता है तासू को भी वो ले आई हो साथ में, तो दोनों को लेके ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो लेके नहीं आई थी, उसको दोबारा लेने जाना पड़ा था। और हम लोग अब निकल रहे हैं स्कूल से, क्योंकि हमारा काम भी हो गया और बच्चों की इस टाइम छुट्टी भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि दोनों को लेते भी चलती हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा है, दोस्तों फाइनली हम घर आ चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं जिस काम के लिए गई थी वो मेरा काम हो गया स्कूल में।
दोस्तों हम कपड़े वगैरह चेंज करके लंच करेंगे। दोस्तों अब हम लोग लंच करने जा रहे हैं, राजमा राइस बनाए, आप लोग भी आ जाओ खाने, क्योंकि अब बच्चे हैं, वैसे लंच ले जाते हैं तो ज़्यादातर दोपहर में रोटियां कम ही खाते हैं, तो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ लंच करने। और दोस्तों अब हम लंच करने जा रहे हैं और अब मैं अपना वीडियो यहीं पे